अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुलरहमान फ्रॉम फॉरेस्ट बाजार। सो आज का जो प्रोडक्ट होने वाला है वो डेल का होने वाला है और जो लैटिट्यूड की सीरीज के अंदर होने वाला है। तो इस टाइम मेरे पास जो प्रोडक्ट है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है, डेल का मॉडल है। आप समझ रहे होंगे यार ये पुरानी वीडियो आप दिखा रहे हो, तो भाई ये ना पुराना मॉडल है ना ये पुरानी वीडियो है, और ये लेटेस्ट वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर लैटिट्यूड की सीरीज के अंदर 7480 हमारे पास मॉडल है, जो कि आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, जो कि i5 7 वर्जन के अंदर था। और इस टाइम जो हमारे पास अवेलेबल है ये i7 7 जनरेशन के अंदर अवेलेबल है। आप लोगों के पास जो पिछला मैंने आपको वीडियो जिन्होंने हमारी देखी होगी तो वो थी 60GB रैम के अंदर और 256GB स्टोरेज के अंदर, लेकिन ये जो हमारे पास मॉडल इस टाइम अवेलेबल है वो 8GB रैम DDR4 के अंदर और 256GB SSD M2 के अंदर अवेलेबल है। तो टाइम को जाया के बगैर इसका रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी राइट साइड पे इसका क्या क्या सीन है। तो राइट साइड पे अगर देखा जाए तो राइट साइड पे इसकी एक USB पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, एक इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है और एक SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया, बल्कि दो SD कार्ड के ऑप्शन दिए गए हैं। एक SD कार्ड का ऑप्शन है और एक सिम इंजेक्टर का ऑप्शन दिया गया है, एक फोन केबल का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इसकी लेफ्ट साइड पर बात करते हैं तो एक अपना कैमरा का जो SD कार्ड होता है बड़े वाला, उसका ऑप्शन दिया गया है, दो USB पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, एक HDMI पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, और एक इन्होंने सी केबल टाइप चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया, जो कि आईफोन और अपना कहना आजकल जो हमारे मोबाइल चल रहे उनके लिए यूज होता है। और यहाँ पे मोटी पिन वाला इन्होंने अपना मोबाइल इसके लैपटॉप का चार्जर का ऑप्शन दिया गया। अगर बैक साइड इसकी बात करें कि यहाँ पे इन्होंने कोई ऑप्शन दिया तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने ये इसकी क्वालिटी यूज़ की गई है वो एल्यूमिनियम की यूज़ की गई है और ब्लैक कलर के अंदर यूज़ की गई है ताकि इसकी शाइनिंग भी रहे। और अगर हम इसके नीचे से बात करें तो नीचे से इसका जो कवर है वो इन्होंने हार्ड प्लास्टिक के अंदर जो होता है वो उसको बनाया हुआ है, उसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पे इन्होंने एक लोगो दिया हुआ है, प्रो विंडो का लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने सीरीज लिखी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का टाइप लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एहतियात किन किन चीज़ों से करते हैं, मतलब उसके स्टिकर बनाए हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे, बल्कि इसको हीट को रिलीज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम उसके बात करें कि स्पीकर्स कहाँ पे हैं, तो स्पीकर इन्होंने बिल्कुल नीचे वाली साइड पे दिया हुआ है, एक राइट साइड पे स्पीकर है और एक लेफ्ट साइड पे स्पीकर है, बिल्कुल भी नीचे। अब इसको अंदर से हम देखते हैं कि अंदर से कैसा है तो सेम टू सेम A2C जो पुरानी वीडियो जिसने देखी हुई उसको तो पता होगा कि पुरानी वीडियो की तरह ही है। इसको मैंने ऑन तो किया हुआ वैसे, अभी अंदर देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया, बिल्कुल छोटा सा ऑप्शन है फिंगरप्रिंट का अगर आपको नजर आ रहा हो। और यहाँ ये एक लाइटिंग कीबोर्ड दिया हुआ जो कि पिछले लैपटॉप में भी था, और अगर माउस पैड की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक ब्रांडिंग दी हुई स्टिकर की, इंटेल कोर i7 7 जनरेशन पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे डेल ने अपनी छोटी सी ब्रांडिंग दी हुई है। एक कैमरा दिया हुआ है, कैमरे के साथ इन्होंने छोटा सा सेंसर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने लैटिट्यूड लिखा हुआ है। कीबोर्ड की क्वालिटी की बात करें सेम पुरानी वीडियो की तरह और पुराने प्रोडक्ट की तरह ही इसका कीबोर्ड है, लेकिन क्वालिटी वही है, और क्वालिटी आप लोगों को पता है कि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। तो टाइम को जाया किए बगैर इसको मैं ऑन भी किया हुआ था, तो मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। अब मैंने इसको ऑन किया तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे कि इसके वॉल्यूम की क्वालिटी कैसी है, और ताकि वो अंदाजा हो जाए कि भाई इसकी वॉल्यूम की क्वालिटी कैसी है। तो मैं इसको भी ऑन कर रहा हूँ। अगर वॉल्यूम की क्वालिटी और स्क्रीन की बात करें तो बहुत ही अच्छा इसका रेजोल्यूशन है, 4K के अंदर इसका इंटेल का ग्राफिक कार्ड लगा होता है, जो कि इसका अपना इंटेल ग्राफिक कार्ड है जो इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है। और अगर इसकी बात करें कि साउंड क्वालिटी की बात करें तो आप लोगों के सामने, इस टाइम मैंने इसको फुल नहीं किया हुआ है, इस टाइम मैंने इसको 80% पर रखा हुआ है, और उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मीन्स कि अगर आपने मूवीज़ वगैरह वॉच करनी है तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, कि आप इस पर इजीली देख सकते हैं। अगर स्क्रीन की साइज़ की बात करें तो स्क्रीन का जो साइज़ है वो 14 इंच स्क्रीन का साइज़ है, 14 इंच में स्क्रीन आती है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे, कीबोर्ड में लाइट है जी, बिल्कुल कीबोर्ड में भी लाइट है। USB पोर्ट्स की बात करें तो 3.0 की पोर्ट है, आप मतलब 3.0 की फ्लैश या SSD हार्ड की जो आपने USB यूज़ करनी तो आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें आप रैम इंक्रीज करवा सकते हैं जी, कितनी तक एक्सटेंड करवा सकते हैं, 32GB DDR4 तक आप इसको ईजिली लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें SSD हार्ड या हार्ड सिंपल आप कितने लगवा सकते हैं जी, इसमें SSD M2 हार्ड लगती है, तो SSD M2 हार्ड आप इजीली आप इसको लेके जा सकते हैं, 1TB तक भी लेके जा सकते हैं, 2TB तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, तो 150 1TB तक ही इजीली है, 1TB तक आप इसको इजीली लेके जा सकते हैं। और आप इसमें ये होता है कि आप 1TB तक जो SSD M2 हार्ड लगाएंगे उसकी कॉस्ट इतनी पड़ जाएगी कि लैपटॉप इतने का आपको आपकी जो लैपटॉप की बाइंग होगी अराउंड 72-73 तक होगी। उसके बाद जब आप उसमें SSD M2 1TB तक लेके जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका लैपटॉप 1 लाख+ हो जाएगा, तो उससे बेहतर है कि आप की अच्छी मशीन अच्छी जनरेशन में बाय कर लें। इस टाइम जो हमारे पास जनरेशन है तो वो i7 है, और प्रोसेसर जो i7 है और जनरेशन हमारे पास जो है वो 7 जनरेशन है। अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर के, प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, तो इसके अंदर जो उन्होंने प्रोसेसर दिया हुआ है
2.7 2.80 गीगाहर्ट्ज़ का एक प्रोसेसर है और एक आप 2.90 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर देख रहे हैं। मीन्स के अगर आप PSCS के स्टूडेंट हैं या IT के स्टूडेंट हैं या आप किसी अच्छी परफॉर्मेंस पे कोई अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं किसी लैपटॉप के ऊपर, तो आप ऐसे लैपटॉप्स को इजीली बाय कर सकते हैं। आप इस पर अपना डॉ प्रीमियम भी चला सकते हैं, डॉ फोटोशॉप भी चला सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग वालों के लिए बहुत बेस्ट मशीन है। अगर आप इसमें अपना क्या नाम है कोई ब्लॉग वगैरह एडिट करना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई ऑनलाइन वर्किंग करना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग के अलावा भी, आप अमेजोन में काम करना चाह रहे हैं या आप अपना क्या नाम है दराज पर कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस पर इजीली स्कून से कर सकते हैं। स्पीड की अगर बात कर ली जाए की जाए तो भी कितने जल्दी सेकंड्स में ये ओपन होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें SSD M2 और उसके बाद इसका i7 प्रोसेसर इमेजिनेशन, तो ये जो मिनिमम सेकंड्स ले रहा है वो ये 10 सेकंड्स के अंदर ये लैपटॉप को बिल्कुल ऑन कर रहा है। उसके अलावा इसकी बैटरी टाइम की बात करें तो राउंड अबाउट 3 आवर प्लस इसकी बैटरी टाइमिंग जा रही है। कभी कभी तो ये 4 आवर प्लस बैटरी टाइमिंग दे रही है। लिथियम की इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, जो कि आपको पता है कि लिथियम बैटरी होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो जो होती है वो आप आउटसाइड नहीं होती है, वो इनसाइड होती है, वो आप इनसाइड से उसको निकाल सकते हैं जब आपको बैक कवर ओपन करना पड़ता है। बैक कवर जो ओपन मतलब मीन्स ये है कि बैक कवर में आप लोगों के पेज लगे होते हैं, ये आपको सारे ओपन करने पड़ते हैं। उसके बाद नीचे इसके अंदर बैटरी होती है, जो बैटरी को आपको निकाल के आप रिप्लेस करना चाहिए रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे ये बनती नहीं होती, अगर ये खराब हो जाए एक दफ़ा तो ये रिपेयर नहीं होती होती। जो आउटसाइड बैटरीज होती हैं उनके अंदर सेल्स होते हैं, वो आप निकालने के बाद आप उसको इजीली रिपेयर भी करवा सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो क्या फिंगरप्रिंट वर्किंग में, जी बिल्कुल फिंगरप्रिंट बिल्कुल वर्किंग में होता है, बहुत अच्छा इसका फिंगरप्रिंट वर्किंग है। मैंने इसको खुद यूज़ किया है। राउंड बॉडी है, जब आपके आपने पासवर्ड वगैरह लगाया हुआ है या पिन की जगह आपने फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है तो आप जब अपना फिंगर रखते ही हैं तो फौरन ये उसको डिटेक्ट करता है और ओपन कर देता है लैपटॉप को। उसके अलावा अगर हम बात करें कि चार्जिंग कितनी देर में कर रहा है, तो राउंड बॉडी यार ये जो चार्जिंग कर रहा है वो कम से कम भी 2 घंटे में, इसलिए बहुत बेस्ट चार्जिंग हो जाती है। वैसे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ लेकिन ये मिनिमम इसकी जो हमने चार्जिंग रखी है वो 1 घंटा 20 मिनट में ये फुल लैपटॉप को चार्ज कर देता है। मोस्टली लोग 2-3 घंटे लगा के रखते हैं और ये कहते हैं कि यार लैपटॉप की बैटरी खराब हो गई, तो आप देखें आप उसकी कैपेसिटी ज़्यादा उसको बार बार दे रहे हैं। इसमें सिस्टम ये होता है कि वो उसके बाद चार्ज नहीं करता, लेकिन आप उसको बार बार वही चीज़ एक करंट प्रोवाइड की जा रहा है तो उसकी भी एक लिमिट होती है, उसके बाद उसने फिर बैटरी पर इफेक्ट करना ही होता है। तो ये कोशिश करें कि आप लोग अपना उसको जो बैटरी की चार्ज कर रहे होते हैं तो आप मिनिमम उसको 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं, 1.5 घंटा मिनिमम जितना कहते हैं। अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर डेल ने एक छोटी सी ब्रांडिंग दी हुई अपने लोगों की और बाकी सारा ब्लैक कलर है। सेम वही मॉडल है 7480 लैटीट्यूड का, बट इसमें फ़र्क क्या आता है, इसमें फ़र्क i7 का आता है। i7 के बाद अगर फर्क i7 में आता है तो आपको पता है i7 प्रोसेसर में फर्क आएगा तो ऑटोमेटिकली गीगाहर्ट्ज़ में फर्क आएगा। तो गीगाहर्ट्ज़ में ऑटोमेटिकली इसमें फर्क आया, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका प्रोसेसर 2.80 गीगाहर्ट्ज़ का 2.90 गीगाहर्ट्ज़ का। अगर इसके i5 पर प्रोसेसर देखा जाए तो वो 2.60 और 2.50 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर उसमें लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, इसमें डुअल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है और उसके अलावा अपने कैम के अंदर जो रैम की स्लॉट है वो जो DDR4 की DDR3 की नहीं है, DDR4 ही लग सकती है आपको। मैंने जिस बताया कि 32 GB तक आप इसको लेके जा सकते हैं। इसमें SSD सिर्फ M2 ही लग सकती है। M2 आपको पता ही होगा कि चिप वाली हार्ड होती है जो कि सिर्फ इसके अंदर बिल्टन हो सकती है। दूसरी हार्ड आप M1 सिंपल कोई आप SSD इसमें नहीं लगा सकते, ना कि आप इसमें IDDB नहीं लगा सकते। एक्सटर्नल आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी आप यूज़ करना चाहिए तो कर सकते हैं। अच्छा मैं एक बात और बताऊँ कि हमने इसको जो एक्सपेरिमेंट किया कि अगर आपके पास एक्सटर्नल SSD हार्ड है कोई कितनी GB की भी है और अगर इसमें आपने SSD M2 लगाई हुई है और इसमें तो लगी है SSD M2, तो अगर आपको डाटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं ग्राउंड वुड आपके पास 100 GB का डाटा भी अगर आपके दूसरी हार्ड से इस लैपटॉप में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो मिनिमम जो टाइम रिक्वायर्ड आएगा पहले स्टार्टिंग में तो आएगा कि 1.5 घंटा 2 घंटे टाइम रिक्वायर्ड आएगा, लेकिन आपको मिनिमम एक्जैक्ट आपको 18 से 20 मिनट में आपके लैपटॉप के अंदर डाटा ट्रांसफर कर देगा। ये इसकी स्पीड वर्किंग है, इसके प्रोसेसर की वजह से, इसकी अपने क्या नाम है रैम की वजह से, उसके अलावा इसकी स्टोरेज की वजह से। तो अगर आपको किसी किस्म का भी सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हमारी कस्टमर सपोर्ट 24 आवर अवेलेबल है। आप लोग मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।